तो दोस्तों आदि पुरुष के रावण पर जमकर बन रहे हैं मीम्स, इन्हें तो बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद फैंस दो मुखों में बट गए हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो फिल्म के म्यूजिक और कलाकारों के नाम की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हैं वो लोग जिन्हें इस फिल्म का VFX जरा भी पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म को लेकर बेहिसाब मीम बनाए जा रहे हैं। इस सब में सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है सैफ अली खान का रावण वाला लुक। सैफ अली खान ने फिल्म में रावण का रोल किया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि वह काफी खतरनाक लग रहे हैं। हालांकि मेकर्स ने क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में कुछ चीजें पूरी तरह खराब कर दी हैं। उदाहरण के तौर पर रावण के पुष्पक विमान को ड्रैगन बना दिया गया है और खराब VFX की वजह से वो भी बहुत खराब लग रहा है। इसके अलावा सैफ अली खान को रावण लुक में लंबी दाढ़ी के साथ दिखाया गया है और इस वजह से भी फिल्म ट्रोल हो रही है। रावण को अभी तक शायद ही किसी फिल्म या धारावाहिक में लंबी दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। इस वजह से भी लोग फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं और रावण को मुस्लिम लुक दिए जाने की बात कर रहे हैं। फिल्म में दिखाई गई वानर सेना भी ट्रोलिंग का शिकार हो गई है। असल में यहाँ भी सारी गलती एनिमेशन जैसे दिखाने वाले VFX की है, जिसके चलते फिल्म कार्टून फिल्म जैसे लग रही है। टीजर में कई क्लोजअप शॉट दिखाए गए हैं जिनमें साफ पता चल रहा है कि फिल्म एक एनिमेशन मूवी है। फिल्म के ट्रेलर में अभी और भी कई चीजें रिवील होंगी जिनका दर्शकों का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है? क्या आप भी इस मूवी के बारे में गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यहां पर मेकर्स ने कुछ चीजें गलत तो की ही है। सबसे पहले सैफ अली खान का जो रावण का जो वो लुक है दाढ़ी वाला, ये गलत किया गया है। और यहाँ पर जो रावण का पुष्पक विमान है उसे ड्रैगन बना दिया गया है, फिर भी वो काफी गंदा लग रहा है। जो रावण का पुष्पक विमान था वो रथ की तरह था और ये तो ड्रैगन की तरह है। यहाँ पर भी गलती की गई है। तो इस मूवी में काफी सारी गलती की गई है, इस वजह से लोग इसे बायकॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में।